हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मैं अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं यहीं पर बैठ कर के काट रही हूँ सब्ज़ी। और आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, बस भिंडी और रोटी ही बनाऊँगी। और इस रूम में इतना खाली हो गया है कि हम तसल्ली से बैठ कर के नीचे बैठ, मेरी बहुत इच्छा होती थी नीचे बैठने की, पर इस रूम में इतना स्पेस था ही नहीं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले वाली सेटिंग अच्छी थी, मैं आप लोगों की बातें समझ सकती हूँ, पर मुझे अब अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुला खुला सा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी भिंडी को छोंक रही हूँ। मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें हींग ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसमें डालूंगी सारे सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, बस ये चार मसाले ही मैं इसमें ऐड करूंगी और इनको अच्छे से भून लूंगी। मैंने एक तरफ तीन टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है, तो ऐसे बना करके देखना, बहुत टेस्टी भिंडी बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर तीन टमाटर और उसमें दो हरी मिर्च डाली थी, तो उसकी प्यूरी बना करके वो इस मसाले में ऐड कर दी। अब टमाटर को इनको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी भिंडी, और इसमें मैंने दो काटी हुई थी प्याज। मैं सच में बताऊँ, जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं भिंडी ऐसे काट लेती हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मार्केट भी गई थी, तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। तो जब मैं लंबी भिंडी काटूँ इसका मतलब ये है कि मुझे लेट हो गया है। वैसे मैं गोल भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो बन कर के रेडी हो गई है, और मांटू लेकर के आई है गोलगप्पे। उसको गोलगप्पे इतने ज़्यादा पसंद है कि वो मार्केट में जा कर के, आजकल के बच्चे होते हैं ना, ये मैक्रोनी नहीं खाएगी और पिज़्ज़ा नहीं खाएगी, बर्गर खा लेती है, वो सिंपल वाला, वो चीज़ वाला बर्गर नहीं खाती है। इसको देसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है, गोलगप्पों की बहुत बड़ी शौकीन है मांटू। तो मैंने आटा लगा करके रख दिया था, बस इसको सही कर रही हूँ। मैं आटा वैसे ही लगा देती हूँ पहले, और फिर थोड़ा सा इस पर ना घी का हाथ लगा के फिर इसको बहुत जल्दी से, मतलब बहुत अच्छा आटा बनता है, रोटी भी जो है वो बहुत फूली फूली बनती है। और मुझे ना कमेंट आते हैं कि आप परात में ही आटा बनाते हो, अलग अलग, मतलब एक उसमें वो रख लो, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही परात में ही आटा बनाना, और इसी में एक तरफ वो कर लेती हूँ मैं। तो इसमें ना, इस वाले डब्बे में मैंने पका हुआ तेल रखा है, सरसों के तेल को पका करके रखा हुआ है। तो मैं अभी छाए को छोंक रही हूँ। तो छाए छोंकने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और थोड़ी सी सरसों, तो उसमें मैं इसको चटका लूँगी। और छाए में डाल दिया है मैंने काला नमक। भिंडी के साथ में छाए बहुत अच्छी लगती है, मट्ठा भी बोल लीजिए। वैसे मेरे मुंह से मट्ठा निकलेगा नहीं, ज़्यादातर हम छाए ही बोलते हैं, तो मेरे मुंह से निकलता भी वही है। मैं आप लोगों के सामने ही क्यों मट्ठा बोलूँ, जब मैं बोलती ही छाए हूँ तो मैं छाए ही बोलूँगी। तो सब्जी रेडी है और छाए को भी छोंक लग गया है। अभी मैं जो है वो रोटी बना लूँगी, साथ के साथ किचन भी समेटती रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाए। और आज मैंने बहुत टाइम बाद ये वाली कुर्ती डाली है, बहुत टाइम हो गया था मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज इसको पहन लेती हूँ। मैं ना कुर्ती को जब काफ़ी टाइम बाद पहनती हूँ तो मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि कहीं मैं मोटी तो नहीं होगी, थोड़ा मेरा वेट तो नहीं बढ़ गया, तो उससे ये भी पता चल जाता है। मैं अभी कर लूँगी सारे बर्तन साफ़। खाना पीना सब कुछ होने के बाद में सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे कर दिए मैंने, और किचन भी क्लीन कर दिया है पूरा, और डेटॉल का भी सारा, मतलब सब कुछ इस पर कपड़ा मार दिया है स्लैब पर। और मैंने जो है वो मंगा लिया है लक्ष्मण रेखा, उसी को मैंने, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अगर चींटियाँ हैं तो आप लक्ष्मण रेखा जो आती है उसको खींच दीजिए, वहाँ नहीं आएगी, तो वहाँ नहीं आ रही है। मैंने सारा जो मीठा था उसको एक जगह पे रख के उसी के चफेरे चारों तरफ जो है वो
वो मैंने लिखी खींची थी, तो वहाँ पर चीटियाँ नहीं आ रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा, तो हाँ मुझे सच में उससे बहुत ज़्यादा वो हुआ है। तो इधर मैं पढ़ा रही हूँ विमांटू को, कुछ देर उनके पापा ने पढ़ाया है और मैं चंचल के साथ में भी थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, वो हर वक्त मस्ती के मूड में ही रहती है। और इसी टाइम पर हम क्या करते हैं, इसको पढ़ाने के बाद में रात का टाइम होता ही है इसकी पढ़ाई का, और ट्यूशन से पढ़ के आती है, थोड़ी देर ये खेल लेती है रात को, कुछ देर जब तक मैं अपना काम करती हूँ जब तक ये पढ़ा देते हैं, और बाद में अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं इसको थोड़ी सी देर लेकर के बैठ जाती हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो फिर यही इसका सारा जो काम है वो करा देते हैं। मैं इससे सुन रही थी अभी टेबल, तो ये टेबल मैं सही में बताऊँ ये 2 1 2 2 2 4 ये ऐसे करके सुना दिया, पर हमारे वो वाला याद है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रही थी तो इसलिए वो हंस रही थी। टू का टेबल सुनाओ, 2 1 2 2 सुना दे, कर एक शब्द नहीं बोली जिस दिन साई, अफसोस रहेगा इस बात का मुझे, आज तक एक शब्द नहीं बोला। का टेबल 2 का तो सुनाया नहीं, नहीं सुना। बैड गर्ल है चंचल, छोटी सी बड़ी खरबूजा, छोटी सी खरबूजा, गंदी है चीची। चलो बेटा एक बुक उठा, मंटू बेटा किताब उठा या बैग लेके आ, बैग में रख ले या वहीं रख के आओगे। चलो तो दूध तो पी लिया ना, हाँ सो जाओ। तो अभी हम जो है वो खाना पीना खा करके सब कुछ करके बैठे हैं, मांटू बाहर लेट गई है और मैं गई थी आज डॉक्टर के पास में, तो अभी मुझे थोड़ा रेस्ट है। और ये मैंने पिलो कवर निकाले हुए हैं, ये मैं लेकर के आई थी 8 पिलो कवर हैं ये, तो ये 150 के 4 मिले थे मुझे, और 2 ये वाले हैं, इस पर चिड़िया हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, ये भी चिड़िया है कि कौवा है पता नहीं, बहुत प्यारा सा प्रिंट है। और अभी बस मैं खाना पीना खा करके बैठ गए हैं, मांटू लेट गई है, मुझे जो भी ये कपड़े तह लगा के रखे हुए थे उनको लगाती हूँ अभी अलमारी में लगाती हूँ सारे कपड़ों को, इनको तह तो लगा दिए थे मैंने, फिर मैंने सोचा चलो अलमारी में बाद में लगा दूँगी, थोड़ा फुर्सत सी होगी आराम से बैठूँगी तभी उसमें लगा दूँगी। और मुझे आप लोगों से ना कुछ बात करनी है, वो मैं अभी करूँगी, पहले जो कपड़े हैं वो लगा लेती हूँ अलमीरा में और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। जितने भी कपड़े हैं उनको पहले मुझे अलग अलग करना होता है, यहाँ पर मांटू की ड्रेस और ये जो ये सुबह में पहन करके जाएंगे वो कपड़े प्रेस हो गए हैं, और इन सब कपड़ों को मुझे अलग अलग करना होता है, सारी बेड शीट कवर जो भी हैं उनको सबको रखूँगी मैं बेड में, और जो कपड़े सेफ में लगाने के हैं वो सारे जो है वो मैं अलमीरा में लगा दूँगी। और अलग अलग करके लगाने होते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मंटू के अलग निकालूंगी, अपने अलग निकालूंगी, अपनी लोअर अलग निकालूंगी, कुर्ती अलग निकालूंगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पूरे बेड पर कपड़े ही कपड़े हो रखे थे, आपको ये 2 प्लाजो दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाले जो 2 हैं नीचे रेड कलर का और एक ये मैं भाभी के लिए लेकर के आई हूँ, भैया घर जाएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। और बस सारे कपड़े लगाने के बाद में मैं इसको अलमीरा को सेट कर दूंगी। वैसे आप देख सकते हो मेरी जो अलमीरा है वो मैंने साफ़ कर ली थी, बट आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की क्लीन करने के बाद में, तो वो भी मैं आज आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने कुछ कैसे अपनी जो अलमीरा है उसको सेट किया है। वैसे टाइम मुझे इसमें बहुत लगा था, आप लोगों ने देखा ही था इसको सेट करने पर, मैंने जितना भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे मैंने सब निकाल दिए हैं। थोड़ी सी देर में बैठ गई हूँ लैपटॉप पर, कुछ बस ऐसे ही देख रही थी, और वैसे मैं लैपटॉप से एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करती हूँ, पर 2-4 दिन से मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है, ये इनका ऑफिस का लैपटॉप है, कुछ होगी है मतलब प्रॉब्लम एडिटिंग में, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है अभी इसकी, तो मैंने इसको यहीं पर रख लिया हुआ है, ये ऑफिस नहीं ले करके जाते हैं। मुझे ज़्यादा लैपटॉप चलाना जो है वो नहीं आता है, बस मैं अपने जो मेरे काम की चीज़ें हैं मैं उनको चलाती हूँ, जैसे कि मेरा इसमें चैनल खोलना और इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी मैंने सीख ली है। क्या होता है ना जब हम फ़ोन से एडिटिंग करते हैं तो उससे आँखों पर जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा, और लैपटॉप से इतना नहीं होता है, लैपटॉप से अच्छे से एडिटिंग हो जाती है,
तो मैं अब सोच रही हूँ अगर ये यहीं पर इस लैपटॉप को छोड़ देंगे तो मैं एडिटिंग भी जो है वो लैपटॉप से ही किया करूँगी, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पूरा दिन फ़ोन में भी घुसे रहने से ना आँखों पर बहुत ज़्यादा वो होता है। इधर दूध गर्म हो गया है और अभी मैं आपको अलमीरा दिखा देती हूँ कैसे सेट की है। ऊपर मांटू के कपड़े हैं, मेरी साड़ी है ये जो मैं अभी एक दो बार में पहन के गई हूँ तो मैंने यहीं पर रखी हुई है। नीचे सारे मेरे कपड़े हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है वो सारा काम फिनिश हो गया है और बस सारे कपड़े वपड़े सब सेट कर दिए हैं और मैं अभी बैठी थी, मैंने सोचा चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। उससे पहले मुझे आप लोगों से ना कुछ बातें शेयर करनी थी, कुछ बात मतलब बतानी थी आप लोगों को। पता है मतलब क्या हुआ है हमारे यहीं पर, हमने मतलब यहाँ नहीं, हमारी कॉलोनी में नहीं, यहीं पर पड़ता है, हमारे पास में ही एक कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर क्या हुआ है ना, मतलब जब से मैंने वो खबर सुनी है ना, मुझे गौरव ने ही बताया था, तो मैंने इनको तब से बोल दिया है कि आप ना मुझे ऐसी न्यूज़ मत बताया करो, ऐसे बातें मत बताया करो, मेरा क्या होता है दिल घबरा जाता है। और सोच सोच के जब से ना मेरा मतलब ऐसा हो रहा है कि कैसे कोई मतलब कैसे किसी के साथ इतना इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। पता है क्या हुआ है, हमारे यहीं पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का गला काट करके मतलब उसका गला अलग कर दिया है शरीर से, उसको इतनी बेरहमी से मारा है उसके हस्बैंड ने, और शादी के 15 साल बाद। और मुझे जब से मैंने ये सुना है ना कि शादी के 15 साल बाद मतलब एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से मतलब उसका मर्डर किया है, तो मैं जब से यही बात मेरे ना माइंड से निकल रही कि उन्होंने अच्छे पल भी साथ में बिताए होंगे, कुछ यादें होंगी, क्या उस इंसान का एक बार भी मन में ये नहीं आया कि तू ये क्या कर रहा है, अरे यार कितना भी लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में, कितना भी बैर हो, कुछ भी हो है ना, लड़ाई हो झगड़ा हो, पसंद ना करते हो तो यार अलग हो जाओ, प्यार नहीं है तो अलग हो जाओ, पर ऐसे एक दूसरे के साथ में इतना बुरा तो मत करो। मुझे जब से सोच सोच के, उनके बच्चे भी हैं, क्या बच्चों का होगा, अब क्या होगा, वो चली गई, वो जेल में चला जाएगा, बेचारे बच्चों का क्या होगा उनका। मैं तब से छोटे छोटे मतलब एक छोटी लड़की है और शायद हाँ कुछ ऐसा सा ही है, मेरे जब से ना माइंड से वो बात नहीं निकल पा रही है, मैं उस बात को भुला नहीं पा रही हूँ कि कैसे कोई भी इंसान इतने साल में साथ रह करके, और कुछ कितनी उनकी यादें होंगी, कुछ ऐसे पल होंगे। यार हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत मतलब अगर हम सोचें तो बहुत अच्छा होता है, हम साथ में छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं, छोटे छोटे दुख बांटते हैं, बड़े दुख बांटते हैं, लड़ाई भी होती है झगड़ा भी होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें अगर लड़ाई झगड़ा ही नहीं तो मज़ा ही नहीं है, तो चलता रहता है ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ, पर इतने मतलब इतना बड़ा कदम कोई भी कैसे उठा सकता है कि मतलब मर्डर ही कर दो, ख़त्म ही कर दो यार, अलग हो जाओ। ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, और बस मतलब मेरे पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ ऐसी बातें सुन लेती हूँ ना तो मतलब वो मैं जल्दी से न्यूज़ नहीं देखती हूँ, पता है मैं बहुत कम न्यूज़ देखती हूँ, बहुत कम न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मुझे डर लगता है, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा ऐसी कोई न्यूज़ सुन के। अभी यहाँ पर 4 साल की बच्ची थी और जन्माष्टमी मनाने के लिए मतलब मंदिर में जा रहे थे, उसका बच्ची का मांझे से गला कट गया, 4 साल की बच्ची, कहाँ वो मंदिर में जा रहे थे, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ होती है, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, पर सुनकर भी सोचकर भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई भी पति इतना हैवान कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब उसमें इंसानियत नाम की तो चीज़ मुझे नहीं लगती कि उसमें है या नहीं है, सच में बहुत बुरा लगता है। मैं अपने सभी व्यूवर्स से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप जिसकी शादी हो रही है चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, मतलब कोई भी रिश्ता, हस्बैंड वाइफ ही नहीं, बहन भाई माँ बाप कोई भी हो, यार जितने भी दिन हो ना अच्छे से उस पल को एंजॉय करो, प्यार करो, अगर किसी रिश्ते में आप रहना नहीं चाहते हो तो अलग हो जाओ, सबसे अच्छा रास्ता है, वो अपनी लाइफ जिए आप अपनी लाइफ जियो, पर किसी को ना दुखी देना या कुछ ऐसा करने की कोई सोचे भी मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये जीवन जो होता है ना पता नहीं हमें कैसे कैसे मिलता है, बहुत सी इसके ऊपर भी बातें हैं कि ऐसे मिलता है ऐसे मिलता है, यार दुख सुख तो चलते रहते हैं, पर अपने आप से तो खुद ऐसा मत करो यार,
सोच कर भी बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, पर हम क्या कर सकते हैं। बहुत क्राइम हो रहा है दुनिया में, बहुत हो रहा है, एक से एक न्यूज़ आती है, एक से एक मतलब ऐसा केस आता है सुनने में कि बस यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसे भी कर सकता है। और आप लोगों के ज़रिए ना मैं अपने दिल की बातें बोल देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है जब मैं आप लोगों से ये सब बातें शेयर करती हूँ, बोलती हूँ, तो सच में मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब हल्का हल्का सा फील होता है कि हाँ मैंने अपनी दिल की बातें किसी के साथ में शेयर की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। और आप लाइक करते हो, भर भर के लाइक किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। वीडियो को देखो, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो। और हाँ, अगर किसी का भी ये मतलब सवाल है ना, किसी के भी मन में ये है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं पूरी 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 कोशिश करती हूँ कि सब लोगों का रिप्लाई करूँ, सब बातें मतलब मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे कमेंट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात आप याद रखें, मैं एक एक कमेंट रीड करती हूँ, एक भी कमेंट ऐसा नहीं होता है जिसको मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आप लोग ये तो निश्चिंत रहें कि मैं आप लोगों के कमेंट रीड नहीं करती हूँ, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सारे टोटल एक एक कमेंट, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स तो मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे मतलब पूरे याद हैं, उनका कमेंट नहीं आता है तो मैं मिस करती हूँ कि आज उनका कमेंट नहीं आया, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के। वैसे तो प्यार तो मैं सभी लोगों से करती हूँ, और आप लोगों से ही मैं हूँ, और आप लोगों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बस खुश रहिए, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और पता नहीं आज है, कल क्या है, परसों क्या है, आगे क्या होगा, तो एक एक दिन को खुशी खुशी से जिए, अपने फैमिली के साथ में रहें। और बस यही बात मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।